वेलकम बैक टू मम्मी का मैजिक। अब हम बनाने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी ब्रेड के साथ, लेकिन वो ब्रेड मैं यूज करूंगी जो मैंने इसके पहले बनाया था, दैट लवली फोर सीड ब्रेड। उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा है एंड अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बनने वाला है। बनने वाला है एक शेक। जी हाँ, हम बनाने वाले हैं ब्रेड शेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी एक्साइटिंग। जैसा मैंने कहा था, जो ब्रेड मैंने बनाया था उसी को हम यूज कर रहे हैं। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए हैं टू सेव टाइम। अब इस ब्रेड शेक को क्रीमी और स्मूथ बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक मैजिकल इंग्रेडिएंट। जस्ट अ मिनट। हम इसमें डालेंगे मिल्क मेड। जी हाँ, इससे हमें मिलेगा एक क्रीमी टेक्सचर, स्मूथ कंसिस्टेंसी एंड अ कैरामलाइज्ड फ्लेवर, जो हमारे शेक को और भी यमी बना देगा। So let's create some milkmaid sweet stories. Okay, अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से finely chopped pistas, finely chopped almonds. इस organic shake को और भी healthy बनाने के लिए आपको याद है ना, हमारे bread में already कितने seeds हमने डाले हैं, the healthy superfoods. अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से फाइनली चॉप वॉलनट्स, सम ऑर्गेनिक हनी, अब इसमें हम डालेंगे दूध, ऐड द मिल्क, एंड नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? बोलिए बोलिए, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ओके, लवली, ये नाइस थिक ऑर्गेनिक ब्रेड शेक हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम लेंगे एक ग्लास, फिर हम लेंगे चॉकलेट सॉस, अब हम लेंगे हमारा ये ऑर्गेनिक ब्रेड शेक और हम इस ग्लास में डाल देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स है वो डाल सकते हैं, लिटिल गार्निशिंग, लवली, एंड हियर यू गो, आवर यमी ब्रेड शेक इज रेडी। चलिए देखिए इसका एक क्विक रीकैप। फोर शीट ब्रेड को पिक्चर में डाले, इसमें मिल्क में चॉप पिस्ता, आलमंड, वॉलनट्स, हनी और मिल्क को अच्छी तरह से ब्लेंड करें। शेक को ग्लास में चॉकलेट सॉस एंड ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करें। आपका ब्रेड शेक है तैयार। तो चलिए इस ब्रेड शेक के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म हुआ। वेल, मैंने जो रेजोल्यूशन किया था ब्रेड्स को अपने घर में अपने किचन में बनाने का, वो मैंने तो पूरा किया। अब आप क्या रेजोल्यूशन बना रहे हैं और क्या आप उसे पूरा करेंगे, ये मुझे आप लिख के बताइए ऑन mummikamagic@foodfood.com पर। साथ ही यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। तो अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। ये नया साल है, नई शुरुआत है। इस साल हम एक प्लेज लेते हैं कि आप और मैं मिलके रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस बनेंगे। सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमृता रायचंद विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। गुड बाय।